के कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसके साथ लाइफ ऐसी हो जैसी कि कोई बढ़िया कॉमेडी फिल्म। मैंने यही सोच के आज दो ऐसे ही लोगों को पेयर किया है जो मुझे सबसे ज्यादा ह्यूमरस लगे, तो बुलाते हैं उन्हें। माय नेम इज श्रेया मिश्रा, आई एम फ्रॉम झांसी, नाउ आई लिव इन मुंबई। आई एम अ फैशन डिजाइनर एंड आई एम अ प्रोफेशनल डांसर आल्सो। हाय, मेरा नाम रोहित हांडा है, एज 23 और मैं पंजाब जालंधर से आया हूँ और यहाँ पे एज ए जिम इंस्ट्रक्टर जॉब करता हूँ। ओके गाइज, वेलकम टू माई शो स्टूपिड क्यूपिड। जैसे कि आप लोग जानते हो, आप एक ब्लाइंड डेट पर हो एंड डेफिनेटली आप एक दूसरे को देख नहीं सकते हो, सिर्फ सुन सकते हो। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उसके जवाब देने हैं। आर यू गाइस रेडी? यस। एक्साइटेड? यस। नर्वस? थोड़ा सा। इंटरेस्टेड? या ऑब्वियसली। ओके लवली। और मेरा पहला राउंड है विच इज कॉल्ड जान पहचान। श्रेया मीट रोहित, रोहित मीट श्रेया। हाय। हाय श्रेया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आपके हिसाब से वो अट्रैक्टिव चीज क्या है आपकी बॉडी में? माय नेचर एंड माय फिगर। रोहित, वो ऐसी क्या चीज है जो आपके बॉडी में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है? मेरी आंखें। आपकी आंखें। ओके रोहित, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, वो कौन सी एक चीज है एक लड़की के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? मुझे सबसे ज्यादा लड़की में अट्रैक्ट जो करता है उसका बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट उसका नेचर अच्छा होना चाहिए और एडजस्टिंग होनी चाहिए। श्रेया? या। वो कौन सी ऐसी चीज है एक लड़के में जिससे आप अट्रैक्ट होती है? लड़का थोड़ा सा लॉयल होना चाहिए। थोड़ा सा? थोड़ा सा, बिकॉज आजकल लड़के लॉयल नहीं होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली लड़का थोड़ा सा लॉयल होना चाहिए। ओके। थर्ड क्वेश्चन, श्रेया, आपका जो आइडल पार्टनर होता है उसके अंदर आप क्या क्वालिटीज ढूंढती है? इज गुड लुकिंग, सेटल्ड होना चाहिए, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग रिस्पेक्ट करना चाहिए गर्ल्स को। रोहित, आप वो कौन सी एक चीज देखते हो अपने आइडल पार्टनर में? दिखने में अच्छी होनी चाहिए, पहला पॉइंट ये, और नेचर वाइज अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा पुराने ख्यालात को भी फॉलो करता हूँ, थोड़े संस्कार मेरे में, बेसिकली पंजाब से हूँ तो संस्कारों को भी फॉलो करता हूँ, तो बैलेंस बिटवीन आज की जनरेशन और पुरानी जनरेशन। ओके, हमारे तीन क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने एक दूसरे की बातों को सुना है, परखा है, ब्लाइंड डेट है, एक दूसरे को अभी तक देखा नहीं है। तो रोहित, कैन यू इमेजिन हर? आई थिंक गोरी होगी और ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी चबी होगी। मुझे चबी लड़कियाँ बहुत पसंद है और आवाज भारी है, सेक्सी आवाज है, बस इतना इमेजिन कर पा रहा हूँ। ओके श्रेया, ऐसा सच मैं कुछ बोल नहीं सकती बिकॉज आवाज से तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, बाय नेचर ही इज गुड, मतलब अच्छा बंदा है, इतना समझ में आ रहा है, बाकी आई कॉन्टेक्ट होने के बाद ही कुछ बोल पाऊंगी। आपको आई कॉन्टेक्ट करना है? या ऑब्वियसली, आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। ओके, गेट योर ब्लाइंड फोल्ड्स ऑफ। हाय रोहित। श्रेया। पूरा नाम आपका? श्रेया मिश्रा। रोहित हांडा, जालंधर पंजाब से। ओके, बेसिकली आई एम फ्रॉम झांसी बट नाउ बेस्ड इन मुंबई। झांसी? या। सो व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? मैंने जैसा इमेजिन किया था बिल्कुल वैसे ही, मैं सही था। श्रेया? या, he is good, बाकी he is nice, handsome, and I love black color and you wear black. मुझे भी black बहुत पसंद है। I love black. So since आप लोगों ने एक दूसरे को देख लिया है, I would want to ask you all, do you want to go forward with the date? हाँ, जानना चाहूँगा मैं। Yes? Yeah. So, हमारा जो राउंड टू है दैट इज बोल्स ऑफ ट्रुथ। आपके सामने तीन बोल्स रखे हैं। जो रेड वाला बोल है वो है रोमांटिक क्वेश्चंस, जो व्हाइट वाला बोल है वो है पर्सनल क्वेश्चंस, और जो पर्पल वाला बोल है दैट इज ऑकवर्ड क्वेश्चंस। अब आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं आपके रिस्पेक्टिव डेट को। यू आर ओनली अलाउड टू क्वेश्चंस फ्रॉम टू बोल्स। ओके, फेयर एनफ, डील? क्लियर? कौन जाएगा पहले? मी। रोहित, आप पहले जाएंगे? या। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप दो कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं? यस, दैट इज वन रोमांटिक और दूसरा ऑकवर्ड। गो अहेड। हैव यू एवर रिग्रेटेड वन ऑफ योर रोमांटिक एनकाउंटर्स? बिकॉज़ आई एम सिंगल लास्ट 3 इयर्स। नहीं। या? नहीं, झूठ। इट्स ट्रू एक्चुअली। नो 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 नो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? चलो आप बोल रहे हो तो मान लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपने शीशे के सामने सबसे वियर्डेस्ट थिंग आज तक क्या किया है? शीशे के सामने मैं इमेजिन कर सकता हूँ. ओके. क्या किया हो सर? ज्यादा से ज्यादा क्या करूँगी, बिकनी पहन के खुद को लाइक पोज करना. दैट्स इट. नॉर्मली घर पे बिकनी डालता? सो लाइक मैं अपने घर में अपने बेडरूम में मैं ऐसे ही रहती हूँ हमेशा. सो आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स एंड टी शर्ट, देन आई रिमूव करके शीशे के सामने पोज देती हूँ. दैट्स इट्स नॉर्मल. जैसे मैं थोड़ा पुराने ख्याल आ रहा हूँ. मैं भी पुराने ख्याल आती हूँ. मैं गज़लें सुनती हूँ, सूट पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ. तो हर इंसान वैसा होता है. अपने कल्चर को मैं नहीं भूल सकती. वो मेरा कल्चर है, वो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है, मेरे संस्कार है, उनको मैं खत्म नहीं कर सकती. सो बैलेंस बना के चलो. ऑब्वियसली लाइफ में हर चीज को हमें एक पार्ट में रखना चाहिए, तो वही मेरे साथ है. ओके. श्रेया आपकी बारी. आप कौन से दो बोल्स चूज करेंगे? फर्स्ट रोमांटिक and awkward. Yeah, same. Okay, go ahead. When did you have your first kiss? 9th standard mein kiya tha. Tumhari umr kya hai abhi? 23. I'm 23 to 9 10. Matlab 9th class mein tha tab kiya tha. अपने जूनियर के साथ. हां तो तब तुम 14 या 13 के हो गए. तो क्या हो गया? तो तब किस कर लिया होगे. Choose another one, okay? ऐसी कौन सी चीज है इंटरेस्टिंग जो आज तक तुमने नहीं की है? मैंने इंटरेस्टिंग सब कुछ किया. मैंने सब कुछ ट्राई किया अपनी लाइफ. कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने ट्राई नहीं. लाइक कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो मुझे? एग्जांपल्स आप पूछो. नहीं, आप तुमने इंटरेस्टिंग कहां तक जाती है? इंटरेस्टिंग बहुत कुछ किया है, तो उसमें मुझे दो तीन कुछ बता दोगे तो आई थिंक इट्स गुड फॉर मी. मैंने स्कूल से बाहर निकला हुआ अपने. मींस बंक मारा है? नहीं, स्कूल से निकाला गया हुआ. ओके. मींस लाइक रस्टिकेट किया. ओके. घर से भागा हुआ हूं. क्यों? उसका रीजन? 10th 11th में मैंने अपनी मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ मैंने सब कुछ पक्का करवा लिया था. शादीवादी का सीन सारा सेट करवा लिया था. ओके. अपनी फैमिली और उसकी फैमिली को बिठा के. ओके. एक डेढ़ साल पहले मेरा ब्रेकअप हो गया. 8 साल का रिलेशनशिप था. हाँ, याद तो आती होगी ना, बिकॉज इतना कितना साल का रिलेशनशिप है? 8 साल रिलेशनशिप रहा मेरा. 8 साल. बट अभी भी मुझे उसके लिए कभी मुंह से गलत शब्द नहीं निकले मेरे. ओके. सो रोहित एंड श्रेया, दिस वाज द राउंड बोल्स ऑफ ट्रुथ, जहां आप दोनों को एक दूसरे के बारे में सिर्फ और सिर्फ सच बोलना था, और आपने काफी हद तक एक दूसरे के बारे में सच बोला. एंड डू यू वांट टू टेक दिस डेट फॉरवर्ड, श्रेया? Okay, Rohit and Shreya, with this exciting round, we move to our next round, which is round 3. And that is very exciting because it's called rapid fire round. यहाँ हम जानेंगे कि आप कितने well synced हो, कितने compatible हो, क्योंकि मैं आपको जो questions पूछूंगी, आपको एक साथ उसके जवाब देने हैं. Okay? Are you guys ready? Ready. आपका पहला क्वेश्चन ये है. Would you rather leave your partner if they are not good in bed or continue life with them? मैं continue करूँ. No, I don't. Okay. Would you rather sleep with your partner or get paid 1 lakh rupees not to? No. I'll sleep with my partner. मैं अपने partner के साथ सोना पसंद करूँगा पैसों के. No, not like that. Because money is important. नहीं, money important है, मगर अगर हम relationship में आते हैं. Yeah. तो आपको कोई बोलता है कि रोहित के साथ मत सोना, या मतलब उसके साथ बेड शेयर मत करना, या उसके साथ घूमना मत, मैं आपको 1 lakh rupees देता हूँ, तो आप नहीं करोगे? Obviously, money is important. Okay, third question. Would you rather be poor and good looking or wealthy and ugly? Poor and good looking. Same, poor and good looking. Okay guys, ये बहुत ही interesting rapid fire round था और question answers वाला round था. तो हम लोग जाते हैं हमारे अगले exciting round में, that is called खेल खेल में. खेल खेल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है. खेल खेल में बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होती है, तो आज हम इस राउंड में कुछ एक्साइटिंग गेम्स आप दोनों के साथ खेलने वाले हैं. आर यू गाइज इंटरेस्टेड? आर यू गाइज एक्साइटेड? नाउ आई एम. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट ऑफ दिस गेम इज, जो इस गेम को हारेगा उसे एक डेयर करना पड़ेगा. ओके. ओके, ऑल द बेस्ट गाइज. सो गाइज, इज इन दिस एन एक्साइटिंग गेम? आपके सामने जेंगा गेम रखी है. Of course, you know the gist. एक one by one आपको एक एक ब्लॉक निकालना है, और जिसका ब्लॉक पहले गिर गया, he is the loser. Okay. और she is the loser. Okay? And जैसे जैसे आप एक एक ब्लॉक निकालेंगे, you have to say one romantic line for each other. ठीक है. And your time starts now.
वैसे लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी आंखें बहुत प्यारी हैं, लेकिन आपकी आंखें भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। दिखने में इतने बुरे नहीं हो तुम। ये रोमांटिक लाइन थी एक। Obviously, दिखने में इतने बुरे नहीं हो, तुम सच्चे हो। मुझे आपके बाल जो आपने कलर किए हैं अच्छे लग रहे हैं, मतलब they are nice, you look sexy because of them, उनके कारण सेक्सी लगती है। Thank you. मैं जीत गया। ओके, तो श्रेया आप इस गेम को हार चुकी हो। रोहित, वैसे तो देखा जाए तो मैं डेयर देना चाहती हूँ श्रेया को। ओके। पर मैं आपको परमिशन देती हूँ कि आप उन्हें डेयर दो। कुछ भी दे सकते हैं। एंड देयर हैज टू बी नाइस फनी इंटरेस्टिंग। नाइस फनी इंटरेस्टिंग। लेट्स किस। What do you mean by that? Let's kiss. Let's kiss. आपका dare आपको kiss करना है। Okay, normal kiss ना, not like not smooch. वो देखा जाएगा। What do you mean देखा जाएगा? नहीं नहीं, मतलब ठीक है, एक छोटा सा pack भी चलेगा, लेकिन on lips. No no, not on lips. This on lips करना पड़ेगा। Dare है। I'm ready. Lips पे करोगे ना? No, you said ना your neck. Neck? Yeah. अच्छा आप भी करना। फील तो होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय दैट? फील होना चाहिए वो, दिस इज डेयर, तो डेयर के अकॉर्डिंगली कर रही है मैं ये, मुझे अभी कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं हग करके करा सकता? नो थैंक यू। ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे? नहीं मजा नहीं आया। इट्स ओके, दिस इज डेयर। अब मजा नहीं आया या ऐसे हुआ वो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, ये डेयर था ना, तो मैंने कर दिया। चलो ठीक है। ओके ओके गाइस, आपके सामने दो ब्राउन बॉक्सेस रखे हैं, उसके अंदर रिंग्स हैं। अगर आपको ये रिलेशनशिप रखना है और आगे और डेट्स पे जाना है, तो आप ये रिंग अपने डेट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर आपको डिसकंटिन्यू करना है, तो आप ये रिंग निकाल देंगे और वो खाली बॉक्स आप अपने डेट के साथ एक्सचेंज करेंगे। ओके, क्लियर? क्लियर। तो आप ये जो बॉक्स है वो उठाइए और उसमें जो रिंग है वो निकालिए और सोचिए कि आपको ये डेट आगे लेना है या नहीं लेकर जाना है। नाउ यू कैन टेक द बॉक्स अंडर द टेबल। या Now exchange the boxes, please. Rohit, आपको क्या लगता है, क्या डिसीजन होगा श्रेया का? मुझे लगता है कि इसमें रिंग होगी। श्रेया? I think no. नहीं होगी? Let's see. I'm not sure. तुम्हारी तरफ से। Find out at the count of three. Open the box. 1, 2, 3. Wow, that's great. I think that's a good start. आप दोनों ने एक दूसरे को रिंग दे दी है। क्या आप चाहते हो कि आप एक दूसरे को पहनाएं? Yeah, you just wanna keep it to yourself. What is it? Okay, lovely. Right. अब तो एक किस बनता है ना छोटा सा। I think kiss to banta hai. Come on guys. Kiss 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 aise nahi hag liye. Eto. Bas. Oh. Thank you. Okay guys, thank you so much for coming on my show Stupid Cupid. Bye. Bye bye. I'll see you on the next date. Till then, keep watching, liking, sharing, commenting, and subscribing to the Comic Wallah.